नमस्कार। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों की संख्या की घोषणा को लेकर आज की सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। वहीं पर प्रधानाध्यापक के उत्तर प्रदेश में जो रिक्त पद हैं उनकी भी संख्या घोषित की गई है और इन सभी के लिए शासन को लगातार सूचना भी भेजी जा रही है कि इन रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाए, क्योंकि भारी मात्रा में रिक्त पद यहाँ पर बताए जा रहे हैं। ऐसे ही लगातार जानकारी के लिए आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और आज की जो अपडेट है वो देखिए, यहाँ पर परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के 72,712 पद यहाँ पर खाली बताए जा रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर 72,712 प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों की संख्या बताई जा रही है। और उसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे कि प्राइमरी में 63,261 यहाँ पर पद खाली हैं, वहीं पर उच्च प्राथमिक में 9,451 शिक्षकों की कमी है। इनको मिलाकर 72,000 से ज़्यादा रिक्त पद खाली हैं। शहर व गांव के स्कूलों में प्रधानाध्यापकों के 53,778 पद इसके लिए रिक्त हैं, प्रधानाध्यापक के लिए। और हम आपको बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती पूरी होने के बाद ये रिक्त पदों की संख्या घोषित की गई। सबसे ज़्यादा नगर क्षेत्र में जो पद हैं वो खाली हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि जो रिक्त पदों की संख्या, चाहे वो प्राथमिक हो चाहे उच्च हो, उसमें जो प्रधानाध्यापक हैं, शिक्षकों के रिक्त पदों की जो सूचना है वो शासन को लगातार यहाँ पर भेजी जा रही है कि इतने ज़्यादा रिक्त पद खाली हैं, इस पर इन पर सीधी भर्ती होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद भी शासन इस तरह से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो लगातार बेरोजगार यहाँ पर मांग कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उसके बाद भी रिक्त पदों की संख्या घोषित नहीं की जा रही, यानी कि विज्ञापन जारी नहीं किया जा रहा, क्योंकि लाखों की संख्या में TET, CTET, BEd, BTC पास अभ्यर्थी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। फिलहाल उम्मीद है कि इस वर्ष के अंत तक या उससे पहले नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की घोषणा देखने को उत्तर प्रदेश में मिलेगी। इसकी अन्य सूचना के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें।